Hello 10th class, how are you? I hope you all are good. Students, as you know, this is 9th part of lesson 1 of history. That name is The Rise of Nationalism in Europe. I hope आपने पहले वाले सभी parts देख लिए होंगे. यदि नहीं देखे तो आप मेरे channel पर जाकर 10th class history की playlist में देख सकते हो. मैं description box में भी link डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. Let's start our new topic, that is 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन की अजीब दास्तान यहाँ हम रीड करेंगे. तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में रीड किया कि कैसे इटली और जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हुए और क्या क्या वहाँ पर सरकमस्टांसिस रहे, क्या इवेंट्स हुए, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए. तो अब हम यहाँ ब्रिटेन का करेंगे रीड कि ब्रिटेन में क्या प्रोसेस रही ब्रिटेन को यूनिफाई करने के लिए. द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन इज ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि किसी नेशन या किसी नेशन स्टेट को बनाने का जो एक मॉडल है, जो एक आदर्श है, तो वो काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने बोला है कि वो मॉडल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन है, कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो दूसरे नेशन स्टेट्स के लिए एक आदर्श रहा है. In Britain, the formation of nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. यानी ब्रिटेन में जो राष्ट्रीय राज्य का जो निर्माण हुआ वो कोई अचानक से होने वाली कोई उथल पुथल नहीं थी और ना ही कोई वो रिवोल्यूशन थी, यानी कि वहाँ ना ही तो कोई अचानक से कोई बदलाव आया और ना ही किसी ने रेवोल्यूशन की. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, रिजल्ट था. देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पेरियोर टू द 18th सेंचुरी, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले वहाँ पर कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसलैंड्स वर एथनिक वंस, यानी कि जो उनकी प्राथमिक पहचान थी ब्रिटिश नेशन से पहले वहाँ के लोगों की जो पहचान थी वो क्या थी, वो वहाँ रहने वाले लोगों की एथनिक थी. एथनिक हमने पहले भी किया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो किसी एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो एक एथनिक ग्रुप है. तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, सच एज इंग्लिश, जैसे कुछ लोग जो थे वो इंग्लिश थे, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, तो इनके नाम से ही इन लोगों की पहचान थी. ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस, और इन सभी एथनिक ग्रुप्स के अपने कल्चरल और पॉलिटिकल रीति रिवाज या जो भी सिस्टम था वो अपना था. बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स. लेकिन जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन था वो ग्रो होने लग गया, ज़्यादा मतलब वेल्थी होने लग गया, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी पावर बढ़ने लग गई, तो उसका प्रभाव जो है और अदर नेशन पर भी होने लग गया, यानी कि ज़्यादा पावर किसके पास आने लग गई, इंग्लिश नेशन के पास. द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सेज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ ए प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने क्या किया, उसने उस टाइम जो मोनार्की सिस्टम था वहाँ पर उनसे उनकी जो पावर थी वो छीन ली. किसने, इंग्लिश पार्लियामेंट ने, क्योंकि वो अपनी पावर क्या कर रहे थे, यहाँ बढ़ा रहे थे. और ये कब किया, 1688 में उन्होंने मोनार्की सिस्टम से अपनी उनकी पावर छीन ली और अपने कंट्रोल में सारा वो एरिया कर लिया एट द एंड ऑफ द, हाँ, और एक लंबी लड़ाई के बाद. वाई द इंस्ट्रूमेंट थ्रो विच ए नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एज इट्स सेंटर केम टू बी फोग्ड, और ये एक इंस्ट्रूमेंट बना, यानी कि एक साधन बना, कौन बना साधन स्टूडेंट्स, वो बना इंग्लिश पार्लियामेंट. इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो एक साधन बना एक नेशन स्टेट बनाने में, किसको, इंग्लैंड को. और इसमें इंग्लैंड क्या बना, एक सेंटर बना, केंद्र बना. द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मिंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड.
तो यहाँ पर बात हो रही है कि द एक्ट ऑफ यूनियन, एक एक्ट बना, कानून बना जिसे एक्ट ऑफ यूनियन बोला जा रहा है, और वो किसके बीच बना? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। और इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट रहा कि फॉर्मेशन हुई, किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इसकी फॉर्मेशन हुई। और इसका इफेक्ट ये रहा कि अब इंग्लैंड जो है वो जो अपना प्रभाव जमाने में कामयाब हो गया, किस पर? स्कॉटलैंड पर। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हिंस फोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर्स। और इसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें जो मेंबर थे या जो पावर थी वो किनके पास रही? वो इंग्लिश मेंबर्स के पास रही। द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट द स्कॉटलैंड्स डिस्टनेक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। यानी कि जब इस ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ होने लग गई और जैसे जैसे इसने स्कॉटलैंड पर अपना प्रभाव करना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ कि जो स्कॉटलैंड का जो पहले से जो उसका कल्चर था या जो पहले से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे स्कॉटलैंड के, उनको धीरे धीरे दबा दिया गया। कैसे दबा दिया गया स्टूडेंट्स? की जो यहाँ हमने बात की अभी कि पार्लियामेंट जो थी वहाँ वो उसमें इंग्लिश मेंबर्स थे, यानी कि वो इंग्लिश मेंबर्स क्या करते थे, अब वो ऐसे रूल बनाते थे जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या फिर ज़्यादा पावर या ज़्यादा कल्चर जो था वो थोपा जाता था किस पर? स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसका क्या पड़े, प्रभाव पड़े। द कैथोलिक क्लोन दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड ट्राइबल रिप्रेशन वेन एवर दे अटेम्प्ट टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। यानी कि जो हमारे ये बात कर रहे हैं हम कि जो स्कॉटिश के रहने वाले जो लोग थे वो है कैथोलिक क्लोन्स, यानी कैथोलिक कुल के जो लोग थे जो स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहते थे, वो जब भी अपने आप को आज़ाद फील करते थे या अपनी आज़ादी के लिए जब भी कोई आवाज़ उठाते थे तो उन्हें क्या कर दिया जाता था? उन्हें रिप्रेशन कर दिया जाता था या उन्हें दबा दिया जाता था, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता था कि वो सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करे? वो इंग्लिश पार्लियामेंट के बनाए गए रूल्स को फॉलो करे। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वियर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर्स वर फोर्सिबली ड्राइव आउट ऑफ देयर होमलैंड। यानी वो जो स्कॉटिश हाईलैंड्स थे उन लोगों पर फोर्स डाला गया कि वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज थी गैलिक लैंग्वेज वो ना बोले और उनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो ना पहने, और बहुत बड़ी संख्या में उन्हें उनके घरों से भी निकाल दिया गया था कि जो लोग सिर्फ ब्रिटिश को फॉलो कर रहे थे बस वही वहाँ रह रहे थे, बाकी जो नहीं फॉलो कर रहे थे उन्हें वहाँ से निकाला जा रहा था। आयरलैंड सफर्ड ए सिमिलर फेट। तो आयरलैंड भी सेम ऐसी ही सिचुएशन फेस कर रहा था। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। और ये जो एक देश था वो क्या था, गहराई से डिवाइड था, किसके बीच में? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में, यानी कि ये दो धार्मिक ग्रुप थे वहाँ पर, इनके बीच में ये डिवाइड था। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इंग्लिश लोगों ने हेल्प की प्रोटेस्टेंट की जो कि आयरलैंड में रहते थे, और उनकी हेल्प इसलिए की कि ये एक बड़ी कैथोलिक कंट्री बन सकती थी, कि ज़्यादा जो लार्ज जो मेंबर्स थे मेजोरिटी जो थी वो कैथोलिक की थी। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। और कैथोलिक ने उनके अगेंस्ट जब रिवोल्ट की तो उसको भी क्या किया गया, दबा दिया गया। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लीड बाय वोल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। यानी कि ये एक बड़ी रिवोल्ट की, किसने? वोल्फ टोन ने। ये एक व्यक्ति का नाम है स्टूडेंट्स, और इसने एक अपना ग्रुप बना रखा था, वो था यूनाइटेड आयरिशमैन। और इनके इस ग्रुप को भी हराने के बाद जो आयरलैंड को है वो फोर्सली मतलब ज़बरदस्ती किस में शामिल कर लिया गया, यूनाइटेड किंगडम ने किंगडम में शामिल कर लिया गया। कब? 1801 में। तो इससे ये स्पष्ट होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम यूके बोलते हैं उसके अंदर क्या है, तीन अलग अलग मैं कहूँगी कि तीन अलग अलग देशों को मिलाकर
एक बना जिसको हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, तो वो कौन से तीन थे? तो वो वही थे जो अभी तक हमने जिनके बारे में रीड किया, वो तीन थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। इन तीनों को मिलाकर एक बना जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम का। ए न्यू ब्रिटिश नेशन, एक नया ब्रिटिश नेशन बना, वाज फोर्क थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ ए डोमिनेट इंग्लिश कल्चर, और जिसके अंदर इंग्लिश कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, अब नए ब्रिटेन के नए सिम्बल्स भी बनाए गए। द ब्रिटिश फ्लैग जो था, जिसको यूनियन जैक कहते हैं। द नेशनल एंथम, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये नया नेशनल एंथम बना। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और जो इसके अंदर ऐड किए गए, जैसे कि स्कॉटलैंड को किया या आयरलैंड को किया, तो वो जो देश थे वो अब सिर्फ क्या बन गए, सबॉर्डिनेट पार्टनर, सिर्फ एक सहयोगी बन गए इस यूनियन के। तो ऐसे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। स्टूडेंट्स, हमने अब तक जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन के यूनिफिकेशन का देखा है, और हमारे इस पेज पर ये JJP गैरिबाल्डी के बारे में है स्टूडेंट्स, तो ये आप रीड कर लेना, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्या था, इसकी पूरी यहाँ डिटेल दी गई है। तो ये एक इटली का फ्रीडम फाइटर था, और इसने यंग इटली जो एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी उसमें काफ़ी सपोर्ट किया, और इटली के यूनिफिकेशन में इसका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ नीचे आप देख भी सकते हो कि इस पिक्चर में एक मजाकिया उसमें ये बनाया गया है स्टूडेंट्स, की गैरिबाल्डी जो है वो हेल्प कर रहा है किसकी, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड की, जो कि क्या था, सिर्डेनिया पिडमोंट का राजा बना था। और इसको ये क्या, किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, शूज पहनाने पर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इटली। तो ये इसको अच्छे से रीड कर लेना स्टूडेंट्स। नाउ वी विल रीड टॉपिक नंबर 5, विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि एक राष्ट्र को हम कैसे दिखाएं लोगों के बीच में। फॉर एग्जांपल, एक राष्ट्र का मैप होता है, तो क्या हम उस मैप को दिखाएं लोगों को कि ये हमारा मैप है और इसको फॉलो करो, इसकी इज्जत करो, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी पूजा करो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि एक नेशन के लिए क्या हम एक सिंबल लें, तो वो अब यहाँ हम रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ नेशन के लिए ये पिक्चर है, एक फीमेल फिगर यहाँ लिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में ही लगा लो कि भारत माता, देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये इंडिया से बिलोंग करती है। तो ऐसे ही वही अब यहाँ हम रीड करेंगे। वाइल इट इज ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूरल सॉरी रूलर थ्रो ए पोर्ट्रेट और ए स्टैचू, कि ये कह रहा है कि ये बहुत ही इजी होगा कि एक राजा को रिप्रेजेंट करना, किसके द्वारा, एक पोर्ट्रेट के द्वारा, कि उसकी कोई एक पिक्चर बना दी जाए या फिर एक स्टैचू बना दिया जाए जिससे कि लोग उसको पहचान सकते हैं इजीली। हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन, किंतु एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज फाउंड ए वे आउट बाय प्रसनोफाइंग ए नेशन, और जो कलाकार थे 18 और 19 सेंचुरी के, उन्होंने इस क्वेश्चन को हल किया। इन अदर वर्ड्स, दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन, और उन्होंने एक कंट्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि वो एक क्या है, व्यक्ति है, कि वो देश क्या हो सकता है, वो देश एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से उस देश की पहचान बन रही है। नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, और नेशन को दर्शाया गया एक फीमेल फिगर में, एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सनोफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, तो जिस फीमेल का यूज किया गया एक नेशन को दर्शाने के लिए, एक राज्य को, एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो रियल में कोई वुमेन नहीं है। रैदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन ए कॉन्क्रीट फॉर्म, तो ये तो एक राष्ट्र को एक ठोस रूप में दिखाने का एक प्रयास है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन, जो कि क्या है, एक फीमेल फिगर है, और जो क्या बनेगा, एलिगोरी मतलब रूपक, एक किसका रूपक, नेशन का, एक राष्ट्र का रूपक बनेगा। कौन बनेगा, फीमेल फिगर जिसका यूज किया गया है। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगोरी टू पोट्री पोट्रे
आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। तो तुम्हें याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल रूपक को ही यूज किया किस चीज़ के लिए, आज़ादी, न्याय और गणतंत्र को शो करने के लिए। दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स, और ये जो जो ये स्टैचू बनाए जाते हैं इनके लिए स्पेशल एक ऑब्जेक्ट लिया जाता है, या हम कहेंगे कि स्पेशल सिंबल्स लिए जाते। एज यू रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन, वाइल जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड वूमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स। यानी कि ये तुम्हें याद होगा कि आज़ादी को दिखाने के लिए यूज किया गया एक लाल कैप को, या टूटी हुई चैन को, या न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। तो ये तो हमने भी कभी टीवी में कोई मूवी देखी हो तो कोर्ट रूम में क्या होता है स्टूडेंट्स की, एक वुमेन होती है जिसकी आंखों पर क्या होती है ब्लैक पट्टी बंधी होती है, और हाथ में क्या होती है तराजू होती है। तो वो किस को शो कर रहा है, वो न्याय को कर रहा है, तो ये वही बता रहा है। सिमिलर फीमेल एलिगोरीज वर इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। ठीक इसी तरह कैसे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज किया गया फीमेल फिगर को, ऐसे ही फीमेल रूपक को यूज किया 19th सेंचुरी में भी कलाकारों ने एक नेशन को शो करने के लिए। इन फ्रांस सीवाज क्रिश्चन मैरी ने पॉपुलर क्रिश्चन नेम, फ्रांस में ये जो फीमेल फिगर बनाया गया उसको एक नाम दिया गया मैरीन, जो कि क्या है एक फेमस क्रिश्चियन नेम है स्टूडेंट्स, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो कि क्या कर रहा था लोगों के अंदर नेशन की जो भावना थी या आइडिया था वो बढ़ा रहा था। कौन, जो फीमेल फिगर मैरीन का यूज किया। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कोकेड, यानी कि उसकी जो विशेषताएँ थी वो थी, जो उसकी पहचान थी वो थी कि आज़ादी और रिपब्लिक, लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और वो किसके द्वारा शो की गई, वो की गई रेड कैप के द्वारा, ट्राइकलर के द्वारा, और कोकेड मतलब कलंगी सर पर पहनने वाला एक स्टैचू था। स्टैचूज ऑफ मैरीन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स टू रिमाइंड द पीपल, रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परश्योर देम टू आइडेंटिफाई विद इट। यानी कि मैरीन का जो स्टैचू बना, जो क्या दिखा रहा था रिपब्लिक और लिबर्टी को शो कर रहा था, वो काफ़ी जगह क्या किया गया, लगाया गया, जैसे चौराहे पर, किसी चौक पर लगाया गया, ताकि लोगों के अंदर क्या हो, एक फीलिंग बने कि उस सिंबल से उनके अंदर क्या आए, यूनिटी आए, और अपने देश के प्रति एक प्राउड की फीलिंग आए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की फीलिंग आए। तो उस स्टैचू का यूज किया गया। मैरीन इमेज वर मार्क्ड ऑन क्वाइंस एंड स्टैम्प्स, और मैरीन की जो इमेज थी वो सिक्कों पर और स्टैम्प्स पर भी बनाई गई। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ द जर्मन नेशन। ठीक इसी तरह जर्मन नेशन में भी जो फीमेल फिगर का यूज किया गया उसका नाम रखा गया क्या, जर्मेनिया, जो किसका रूपक थी, जर्मन नेशन का। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, और ये जर्मन को शो करने के लिए जर्मेनिया को ओक लीव, ओक एक ट्री होता है स्टूडेंट्स, इसके पत्तों का एक वो पहनाया गया, ताज बोलेंगे, और क्योंकि ओक जो लीव है, एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोजिम, क्योंकि ओक लीव्स की जो पत्तियां हैं वो बहादुरी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए उसका यूज किया गया। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये जर्मेनिया है, और यहाँ इसके सिर पर देखिए, और ये काफ़ी बार वन मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स की ओक लीव जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ये देख लीजिएगा अच्छे से। देन एलिगोरी जो हमने अभी बात की है कि वो एक रूपक होगा किसी देश का, और जिसके अंदर एक स्पेशल जो आइडेंटिटी होगी, पहचान होगी उस देश की, किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कि ग्रीड किसी लालच की, एनवी फ्रीडम एंड लिबर्टी, ईर्ष्या या स्वतंत्रता और मुक्ति की। तो इसको भी रीड कर लेना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है एलिगोरी से रिलेटेड ऑन द पेज नंबर 24 स्टूडेंट्स। ये मीनिंग्स ऑफ
द सिंबल्स हैं, तो ये आप सबने अच्छे से लर्न कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ से वन मार्क के क्वेश्चन निकलते हैं कि सिंबल ये हैं जो यूज किए गए हैं किसी भी फीमेल फिगर में, और इनकी सिग्निफिकेशन क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. फॉर एग्जांपल ब्रोकन चेन्स है, वो क्या दिखा रही है, बींग फ्री मतलब आज़ाद होना. तो ऐसे ये आपने लर्न कर लेने हैं अच्छे से. ऑन पेज नंबर 25 स्टूडेंट्स, ये दी गई है, ये जर्मेनिया है जो कि क्या है, जर्मन के लिए एलिगोरी है. और ये क्या यहाँ शो कर रही है, ये कर रही है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन. तो राइन जो है जर्मन में एक रिवर का नाम है, और इसका मतलब है कि जर्मेनिया जो है वो इस रिवर पर क्या कर रही है, पहरा दे रही है, रिवर को प्रोटेक्ट कर रही है. और इसकी स्वॉर्ड पर मतलब तलवार पर भी कुछ लिखा हुआ है, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, कि जर्मन तलवार जो है वो जर्मन राइन को प्रोटेक्ट करती है. तो हमने देखा कि कैसे एक नेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फीमेल फिगर के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ रहा है, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आए, हर पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ लेसन में. अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में.